please subscribe and press the bell icon for more content. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस एड्रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से वेबसाइट बैनर डिज़ाइन करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 वर्जन है। आपके पास जो भी वर्जन है तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर वेबसाइट बैनर डिज़ाइन बना सकते हो। सबसे पहले आप लोग पेज सेटअप कीजिए। पेज सेटअप करने के लिए सिंपली आप लोग क्लिक कीजिए लेआउट पर। यहाँ पर देखिए लेआउट, आप लोग 2016 से ऊपर का वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो आप 2017 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर पेज लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। लेआउट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग क्लिक कीजिए मार्जिन पर। मार्जिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग क्लिक कीजिए नैरो पर। यहाँ पर देखिए नैरो, देन उसके बाद आप लोग क्लिक कीजिए साइज पर। देन उसके बाद आप लोग क्लिक कीजिए मोर पेपर साइज पर। मोर पेपर साइज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पेज सेटअप कीजिए। पेज सेटअप करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर वेट फॉर 6 inches रख देता हूँ और हाइट फॉर 3 inches रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए वेट 6 inches और हाइट 3 inches। देन उसके बाद आप लोग ओके पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए पेज रेडी होकर तैयार हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पेज जूम आउट जूम इन करने के लिए कंट्रोल होल्ड कीजिए और स्क्रॉल अप डाउन कीजिए तो कुछ इस तरीके से जूम आउट जूम इन हो जाता है दोस्तों। सिंपली आप लोग क्लिक कीजिए इंसर्ट पर। यहाँ पर देखिए इंसर्ट, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर पेज डिजाइन करूँगा। पेज डिजाइन करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करता हूँ इंसर्ट पर जाकर। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट करता हूँ। रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, एज अ होल एरिया पेज एरिया पर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मोर पेपर सॉरी मोर फिल कलर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मोर फिल कलर। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, डार्क रेड कलर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ड्रैग करते हुए यहाँ पर देखिए डार्क रेड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सैंपल लग रहा है यहाँ पर इस तरीके से। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पेज पर कलर लग चुका है। देन उसके बाद सिंपली आउटलाइन पर क्लिक कीजिए, शेप आउटलाइन पर। शेप आउटलाइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नो आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए नो आउटलाइन पर। देन उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन रिमूव हो चुका है। सिंपली इसको इस तरीके से बड़ा छोटा बड़ी आसानी से यहाँ पर एरोस की मदद से कर सकते हो सिंपली इस तरीके से। और इसको भी यहाँ पर नीचे की तरफ भी इस तरीके से बड़ा छोटा आसानी से कर सकते हो। देन उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली शेप्स पर क्लिक कीजिए। शेप्स पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ओवल शेप सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके का रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन उसके बाद मैं यहाँ पर नो आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ इस वाले शेप्स के अंदर। देन उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मेट शेप्स पर क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट शेप्स पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इफेक्ट पर। यहाँ पर देखिए इफेक्ट पर। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर सॉफ्ट ईज पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ साइज। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर इफेक्ट बन चुका है। सिंपली मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर रख देता हूँ और फिर से मैं इसको यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ सॉफ्ट ईज को। यहाँ पर देखिए इस तरीके से थोड़ा बहुत डिज़ाइन रेडी हो चुका है दोस्तों यहाँ पर पेज का। देन सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट पर जाता हूँ। इंसर्ट पर जाने के बाद फिर से मैं शेप्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं आउटलाइन नो आउटलाइन दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इस वाले रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद सिंपली सेव फिल पर क्लिक करता हूँ और देन उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक करता हूँ और इस तरीके का एक ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर ग्रेडियंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद फिर से मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं इस वाले शेप्स पर क्लिक करता हूँ और इस शेप्स को मैं यहाँ पर कंट्रोल डी करता हूँ और डुप्लीकेट करता हूँ। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं फिर से फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट पर जाता हूँ। इंसर्ट पर जाने के बाद फिर से मैं यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करता हूँ और शेप्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इस वाले शेप्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉर्नर रेक्टेंगुलर शेप्स पर, देखिए सिंगल कॉर्नर राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप्स पर। देन उसके बाद मैं इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस तरीके से इंक्रीज कर लेता हूँ और इसको मैं नो आउटलाइन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इसको रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ पर रोटेट पर जाकर यहाँ पर देखिए रोटेट, रोटेट पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल। देन उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से,
यहाँ पर देखिए, देन उसके बाद इसको कॉलर में यहाँ पर डार्क ब्लू कलर दे देता हूँ, येलो कलर, डार्क येलो कलर, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेता हूँ और इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली शेप्स पर क्लिक करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर ओवल शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओवल शेप सेलेक्ट करने के बाद मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, शिफ्ट होल्ड करते हुए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ, वाइट बैकग्राउंड वन कलर डार्क। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर नो आउटलाइन कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए। देन उसके बाद सिंपली मैं इसको शैडो दे देता हूँ इस शेप्स को, सिंपली शेप इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं शैडोज पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके का शैडोज दे देता हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का शैडोज लग चुका है इस शेप्स का अंदर। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर एक पिक्चर सेट करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ पिक्चर्स है दोस्तों, मैं इसी वाले पिक्चर्स को यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट पर जाता हूँ और पिक्चर्स पर क्लिक करता हूँ। पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर मेरे पास एक डाउनलोड किया हुआ पिक्चर्स है दोस्तों, इस वाले इमेज को मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। ये बेसिकली PNG फॉर्मेट पर है, आप भी इस तरीके के इमेज डाउनलोड करना चाहते हो गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको वाप टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। वाप टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पर मैं इसको सेंड टू बैक कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर देखिए सेंड बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ। देन क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर सेंड टू बैक हो जाता है दोस्तों इस वाले शेप्स, इस वाले पिक्चर्स को इस शेप्स के अंदर, यहाँ पर देखिए। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ लेता हूँ। देन उसके बाद सिंपली मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर एक शेप्स क्रिएट करूँगा, इंसर्ट पर जाकर शेप्स पर क्लिक करते हुए यहाँ पर ओवल शेप्स ऐड करूँगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से इस तरीके का ओवल शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर डार्क ब्लू कलर सेट करता हूँ। देन उसके बाद आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद फिर से मैं फॉर्मेट शेप्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं फिर से इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए इफेक्ट। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर ग्लो इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ग्लो प्रीसेट में यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए वाइट कलर। देन उसके बाद आप साइज जो भी देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो इस तरीके से, साइज छोटा या बड़ा आसानी से कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके का 5 के आसपास कर लेता हूँ और इसको ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा इस तरीके का रख देता हूँ कुछ इस तरीके का, यहाँ पर देखिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ इसको और इसको मैं सेंड टू बैक कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्रैक कर लेता हूँ, सेंड टू बैक। देन उसके बाद सिंपली मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इस शेप्स को और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ मैं टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, सिंपली मैं इंसर्ट पर जाता हूँ। इंसर्ट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर वर्ड आर्ट पर क्लिक करता हूँ। वर्ड आर्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली इस वाले वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा इसको, सबसे पहले मैं कंट्रोल ए करूँगा सेलेक्ट ऑल, इसको क्लियर ऑल करूँगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्लियर ऑल का ऑप्शन है होम पर जाकर। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर नो स्पेसिंग कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नो स्पेसिंग करने के बाद मैं यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ एरियल ब्लैक। सिंपली मैं यहाँ पर आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस तरीके का फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी मेरा पसंद का है मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। आप जो भी आपके पसंद के फॉन्ट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर आप भी इस तरीके से बड़ा और छोटा आसानी से कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसको कलर दे देता हूँ, सेफ फिल कलर वाइट कलर दे देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा शैडोज दे देता हूँ इफेक्ट पर जाकर। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन है। देन सिंपली यहाँ पर मैं शैडोज पर क्लिक करता हूँ और आप जो भी शैडोज देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। मैं सिंपली इसी वाले शैडोज को दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर डिज़ाइन बन चुका है सिंपली। देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख देता हूँ कुछ इस तरीके से और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रख देता हूँ और इस तरीके से। देन उसके बाद मैं यहाँ पर एक शेप्स क्रिएट करूँगा। शेप्स क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट पर जाता हूँ, शेप्स पर जाता हूँ और यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देन इसको मैं यहाँ पर येलो डॉट पर क्लिक करते हुए इस शेप्स को इस तरीके से कॉर्नर बना देता हूँ और देन उसके बाद यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ और इसको मैं डार्क येलो कलर दे देता हूँ इस तरीके का एक कलर दे देता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर नो आउटलाइन कर लेता हूँ इसको और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ
और इसको भी इस तरीके से छिड़का रहा हूँ। सिंपली मैं इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एरियल ब्लैक फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, एरियल ब्लैक। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और इस तरीके से, और इसको भी यहाँ से इस तरीके का रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर सेट करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सेट कर लेता हूँ, डार्क ब्लैक। देन उसके बाद यहाँ पर मैं इसको शैडोज इफेक्ट पर जाकर शैडोज कलर दे देता हूँ। मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर जाकर वाइट कलर का शैडो दे देता हूँ कुछ इस तरीके का, यहाँ पर देखिए। देन फिर से मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और शेप्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर फिर से राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ और कुछ इस तरीके से। सिंपली मैं यहाँ पर इसको नो आउटलाइन कर लेता हूँ और यहाँ पर कलर दे देता हूँ डार्क ब्लू। देन उसके बाद फिर से मैं इसी वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टाइप कर लेता हूँ आवर कोर्सेस CO URE कोर्सेस। देन उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको मैं वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट वाइट कलर। इसको मैं इफेक्ट शैडोज नो शैडोज कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ से उठाकर यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का सेट कर रहा हूँ। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर कोर्सेस टाइप कर लेता हूँ, सिंपली मैं इंसर्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं शेप्स पर क्लिक करता हूँ। शेप्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इस वाले शेप्स को सेट करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर क्लिक करते हुए इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर होम पर जाता हूँ, नो स्पेसिंग कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ, मे बी 8 के आसपास। और आपके पास जो भी कोर्सेस है आप यहाँ पर बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हो। मैं फटाफट से यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर कोर्स टाइप कर चुका हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं नो फिल कर लेता हूँ, सबसे पहले नो आउटलाइन कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ वाइट कलर। और यहाँ पर मैं फॉन्ट इसको यही फॉन्ट छोड़ देता हूँ और बोल्ड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मे बी 10 के आसपास और यहाँ पर इस तरीके से सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, एरियल ब्लैक ज़्यादा बोल्ड है दोस्तों। मैं यहाँ पर कुछ बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ मे बी ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर बोल्ड बन चुका है और यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर इसी वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल डी करता हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा बहुत डिज़ाइन बन चुका है। देन उसके बाद सिंपली मैं इसको नीचे की तरफ रख देता हूँ। देन उसके बाद फिर से मैं इसी वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है दोस्तों आप बड़ी आसानी से यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर ये वाले टेक्स्ट टाइप कर चुका हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर फॉन्ट कैलिब्री सेट कर लेता हूँ और इसको इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फॉन्ट कुछ इस तरीके से और फिर से बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और इसको बोल्ड कर रहा हूँ ताकि सब कुछ आसानी से नज़र में आए। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लेता हूँ। देन फिर से मैं इसी वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ डुप्लीकेट और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ कंट्रोल ए। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से स्पेस दे देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ मे बी 20 के आसपास और यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इंसर्ट पर जाता हूँ और शेप्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ओवल शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पर इसको वाइट कलर दे देता हूँ, येलो कलर दे देता हूँ, इस वाले येलो कलर दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको
नो आउटलाइन कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ शिफ्ट होल्ड करते हुए। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का बन चुका है यहाँ पर शेप्स। और यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आइकन पर जाता हूँ और यहाँ पर कॉन्टैक्ट का आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास ये आइकन चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए दोस्तों, तभी यहाँ पर बड़ी आसानी से इस वाले आइकन यूज़ कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर आइकन सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट आइकन, यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट का है इंसर्ट और यहाँ पर आ चुका है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। सेम प्रोसेस और यहाँ पर कुछ इस तरीके से छोटा कीजिए और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है आप बड़ी आसानी से यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ डुप्लीकेट। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर फिर से टाइप कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं इसको सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेट करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पर इसको सिंपली इसको मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसी वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डी करते हुए। यहाँ पर देखिए मैं इंसर्ट पर जाता हूँ और शेप्स पर क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगुलर राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप्स। देन उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, नो आउटलाइन। यहाँ पर डार्क रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ इसको। इसको मैं थोड़ा सा सेंट बैक कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से सेट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ रख देता हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसको भी सेट करूँगा और इसको भी यहाँ पर सेट करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए आप भी इस तरीके से बड़ी आसानी से वेबसाइट बैनर डिज़ाइन कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी। आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।